नमस्कार, मैं सलोनी पांचाल और आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वर्ष 2021 में कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों का सामूहिक सम्मान व विदाई समारोह। पूर्व मंत्री, विभागीय अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में सामूहिक सम्मान व विदाई समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ देवास इकाई व बीज निगम बालगढ़ व उन्नत कृषक ने संयुक्त रूप से किया। और अब खबर विस्तार से। वर्ष 2021 में कृषि विभाग से देवास जिले में पदस्थ दर्जन भरी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इन सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का सामूहिक रूप सम्मान करते हुए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ देवास इकाई अध्यक्ष सीएल पिपलोदिया व बीज निगम बालगढ़ अधीक्षक विपिन शिवहरे व उन्नत कृषक धर्मेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में संयुक्त रूप से किया गया। समारोह पूर्व मंत्री दीपक जोशी, संयुक्त संचालक कृषि उज्जैन संभक आलोक मीणा, उप संचालक कृषि देवास आरपी कनेरिया, मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ प्रांताध्यक्ष मनोहर गिरी, संरक्षक विक्रम सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त उप संचालक कृषि विकेर अग्रवाल, ओपी चौरे, बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आरसी जायसवाल, क्रभको के क्षेत्रीय प्रबंधक हिंदू सिंह परमार, भाजपा जिला महामंत्री राजेश यादव आदि के मुख्य अतिथि में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। उल्लेखनीय होगा 2021 में सेवानिवृत्त हुए सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, एडीओ अशोक राठौर, एसडीओ जैसी तोमर, आरएईओ भरत सिंह मालवी, जगदीश बोडाने, सतीश कुमार झाला, बीएल शिंदे, नंदा शिंदे, एके तिवारी, एसके गोड़ सहित चेयरमैन अमर गौर व यूडीसी सरवटे मैडम सेवानिवृत्त हुए, जिन्हें सम्मानित करने के लिए समारोह में आमंत्रित किया गया। अधिकांश सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम में परिवार सहित शामिल हुए। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को शॉल श्रीफल भेंट करते हुए पुष्पमाला पहनाकर स्वागत व सम्मान करते हुए विदाई दी गई। इस मौके पर अतिथियों का भी पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ देवास के उपाध्यक्ष मनोहर सिंह ठाकुर, एकता क्षेत्रीय सचिव यूएस राजावत, सचिव ओपी राणा, कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, सह कोषाध्यक्ष सीएस मोगरे, संगठन सचिव एसके खान सहित पीके शर्मा, गोपाल मेहता, आरएस जोशी, डीआर गुप्ता, एमएन खान, सीके निगम, एमएल शर्मा, जयसी सैंदव, ओपी वागड़े, जीएस नागर, आरके चौधरी, एसके सोनी, सीएस तोमर, मदन गायकवाड़, संजय शर्मा, बबीता मालवीय, भारती पटेल, सुनील दुबे, पंकज शर्मा, नरेंद्र कुमार पाटीदार, अविनाश गुप्ता, पुरुषोत्तम जोशी, विनोद जायसवाल, कृषक धर्मेंद्र राजपूत, परिजन सलीम, इंजीनियर इंदौर, श्रीमती नीलोफर, मोहम्मद शाहिल, नसरीन बी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ देवास इकाई जिलाध्यक्ष सीएल पिपलोदिया ने माना। इस मौके पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने देश के कृषि क्षेत्र में योगदान देते हुए किसानों का आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही प्रांताध्यक्ष श्री गिरी, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, उप संचालक कृषि श्री कनेरिया सहित अन्य अतिथि वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कृषि विभाग की उपयोगिता व और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की तकनीकी समस्याओं को लेकर बात रखते हुए उन्नत खेती अपनाने की बात पर जोर दिया। उल्लेखनीय होगा कि वर्ष 2021 में कृषि विभाग से सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, एडीओ अशोक राठौर, एसडीओ जैसी तोमर, आरएईओ भारत सिंह मालवी, आरएईओ जगदीश बोडाने, आरएईओ सतीश कुमार झाला, आरएईओ बीएल शिंदे, नंदा शिंदे, आरएईओ एके तिवारी, आरएईओ एसके गौर, चेयरमैन अमर गौर, यूडीसी सरवटे मैडम सेवानिवृत्त हुए हैं। परंतु सरकार नहीं भागती, नहीं लड़ती, ये सोचते हुए मेरा संगठन के माध्यम से
और क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आज कश्मीर विभाग के हमारे नतीजे कहूँगा कि दिवाली लेके हिंदू कथा संस्था के अंदर अपनी पहचान स्थापित करने वाले अब्बास साहब का उनके जो साथियों का राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया। मुझे भी एक मौका मिला कि मैं इनके लिए यहाँ पर आऊँ। मुझे लगता है कि कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने आज देश को कृषि में कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाया, उनको वो सेवाएँ हम नहीं दे पाए जो उनको दरकार थी। ऐसे दृष्टिकोण में क्या शासन के सहयोग से इन अधिकारी कर्मचारियों को साथ में लेकर भारत आज आत्मनिर्भर भारत हो गया, लेकिन और अग्रणी भारत के रूप में कैसे बन सकता है, इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। ठीक है।